सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सर, आपका डिस्ट्रिक्ट जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 117 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 170 डिस्ट्रिक्ट में आपका एजुकेशन सेक्टर में टॉप रैंक में है, तो उसका बारे में आपको क्या कहना है सर, किसको श्रेय देना चाहोगे आप? देखिए, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DDSE, सारे टीचिंग स्टाफ्स प्लस मीडिया फ्रेंड्स और स्टूडेंट कम्युनिटी, लास्ट 5 साल पहले हमारे यहाँ एजुकेशन का सीनियर बहुत अच्छा नहीं था, स्कूल का डेस्क बेंचेस भी का कंडीशन भी ठीक नहीं था, तो हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मीडिया लोग जब जाके गाँव पे वीडियो क्लिप करके सोशल मीडिया में जब डाला, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जागा, मैं MLA मैं भी खुद भी जागा, और हमने लास्ट ईयर भी अपना SIDF से 1 करोड़ का प्रावधान रखा जी, फर्नीचर्स मेरे बच्चों को बैठने के लिए मिलना चाहिए। इसके अलावा जो यूनिफॉर्म सप्लाई है उसको भी डिसेंट्रलाइज किया, बुक्स का जो शॉर्टेज है वो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DDSE प्लस में अपना DCM साहब हम लोगों ने डायरेक्टर एजुकेशन के साथ डिस्कस किया, उस सामान को भी हम लोग वहाँ पहुँचाया, प्लस कंटिन्यूस जो कैंपेन है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का सरकार आपके द्वार के माध्यम से हम लोगों ने जो मुहिम चलाया, इससे मुझे लगता है कि बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा, और स्टूडेंट्स जो अभी जो आज हम लोग एंटी ड्रग कैंपेन कर रहे हैं इसका भी इफेक्ट पड़ा है, बच्चों को ये समझ में आया कि हम लोग को आगे बढ़ना है, ड्रग एब्यूज नहीं करके हमें दुनिया में कुछ बन के दिखाना है, तो उन लोग का जो ध्यान है अननेसेसरी एक्टिविटीज से हट के एजुकेशन में उन्होंने लगाया, और आज नामसाई डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट इतना अच्छा बनाया कि ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 है हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के सेक्टर में। सर, देखा गया कई कई स्कूल में जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलेगा सर जी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ में डिजिटल क्लास का प्रावधान है, जो कई कई स्कूल में इलेक्ट्रिसिफिकेशन का जो कि प्रॉब्लम है, कई कई कनेक्शन नहीं है, तो उसका बारे में आपको इस बारे में या इसके मुझे इसके जानकारी हमारे DDSE साहब ने कहा है, और बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स प्लस वहाँ के जो पेरेंट्स हैं हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के तरफ से भी मेरा यहाँ एप्लीकेशन आया है। देखिए, भारत सरकार ने जो हर घर को बिजली जो स्कीम सौभाग्य स्कीम चला रखा है वो गाँव घरों के लिए रखा है, लेकिन अभी स्कूल के लिए हम लोगों ने ये प्रावधान रखा है कि मैं खुद अभी हमारा बजट सेशन होने के बाद मैं किसी को अनाउंस नहीं करते हुए हर स्कूल में विजिट करूँगा, टीचर्स का अटेंडेंस देखूँगा, जिस स्कूल में अपना इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का प्रॉब्लम है, वहाँ हम लोग अपना MLA लेट फंड से या अपना जो नॉन BADB फंड से उसका प्रावधान रखूँगा, जो मैं आप सबको वादा कर रहा हूँ। थैंक यू सर। तो आने के बाद सबसे पहले मैंने देखा था कि हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं एजुकेशन सेक्टर के, और ग्राउंड रियलिटीज़ में हमारा क्या सिचुएशन है। जैसे कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में होता है कि साफ पानी पीना, फंक्शनल टॉयलेट्स होना और लर्निंग आउटकम्स होना, ये बहुत मार्क्स कैरी करते हैं, और एजुकेशन का 30% वेटेज है। तो हमने सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स के लिए स्मार्ट क्लासेस सारे हाई सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल में स्टार्ट किए। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट था लास्ट ईयर 10th का 16% था, जो कि बहुत ही बेकार और डिसमल परफॉर्मेंस है, और इस बार हमने जनवरी से जब ये स्मार्ट क्लासेस स्टार्ट किए, मुझे बता के बड़ी खुशी है कि हमारा डबल से ज़्यादा हुआ, जो कि अभी भी हम स्टेट एवरेज के नीचे हैं, लेकिन हम अपना पूरा प्रखर प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम और इम्प्रूव करेंगे। बच्चों की अटेंडेंस इम्प्रूव हुई है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सारे स्कूलों में हमारा प्रयास है कि हम पहुँचाएँ, 50% स्कूल्स में हमने किया। फंक्शनल टॉयलेट्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो टॉयलेट्स हैं सारे स्कूलों में, लेकिन जब मैं कुछ स्कूलों में विजिट किया तो पता चला बिकॉज रनिंग वाटर नहीं होता टॉयलेट में तो वो डिफंक्ट हो जाता है, तो हमने सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग टॉयलेट्स बने हुए हैं उसमें रनिंग वाटर का प्रावधान करके उनको फंक्शनल कर दिया। अब नेक्स्ट फेज में हम जहाँ पे टॉयलेट्स बिल्कुल ही डिफंक्ट हो गए हैं या टूट रहे हैं, बिल्कुल यूज़ के काबिल नहीं है, उनको हम पूरा कंस्ट्रक्ट करेंगे, और फिर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये जो हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एजुकेशन सेंटर में ये ऊपर ही जाएगा, और सारा पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा खुशी में है कि एजुकेशन में हमने फर्स्ट रैंक लाया है, और अब जो मोटिवेशन उनका था वो और दोगुना हो गया है, एंड वेरी इवन द टीचर्स आर वेरी हैप्पी कि हमारा थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने से अगर इंसेंटिव मिल रहा है और डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ रहा है, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है, इट इज़ अ गुड अचीवमेंट। थैंक यू।